हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेमर जीनी। आज इस वीडियो में हम लोग उन अपडेट्स को देखेंगे जो OB21 अपडेट के बाद आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सभी अपडेट्स जो अभी तक गेम में आ चुके हैं। सब अपडेट्स तो नहीं आए हैं, तो बाकी अपडेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से अभी के अभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल बटन भी ज़रूर दबाते हुए जाना। ओके, सो सबसे पहला अपडेट है न्यू कैरेक्टर। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि न्यू कैरेक्टर कपेला आने वाला है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि वो कैरेक्टर आ चुका है। और एक कैरेक्टर आने वाला है, वो शायद बाद में आएगा नेक्स्ट अपडेट आने से कुछ दिन पहले। तो इस कैरेक्टर को कैसे हम लोग पा सकते हैं? 100 डायमंड अगर हम लोग टॉपअप करते हैं तो ये कैरेक्टर मिल सकता है, और 500 डायमंड टॉपअप करने से इस कैरेक्टर का बंडल मिल सकता है, और 300 डायमंड से UMP का एक स्किन। तो अब चलते हैं कैरेक्टर के स्किल पर। सो इस कैरेक्टर का स्किल ये है कि अगर हम लोग कोई हीलिंग आइटम जैसा कि मेडकिट या मशरूम यूज़ कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट 10% से बढ़ जाएगा, और जो भी हीलिंग कैरेक्टर है उन लोगों का भी इफ़ेक्ट 10% से बढ़ जाएगा। और अगर हम लोगों के फ्रेंड्स नॉकडाउन हो जाते हैं तो नॉकडाउन होने से HP बहुत जल्दी घट जाता है, तो ये कैरेक्टर यूज़ करने से HP घटने का टाइम 20% से घट जाएगा। तो ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। ओके, सो नेक्स्ट अपडेट है एयरशिप। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर एक एयरशिप घूम रहा है, इसको ब्लिम्प भी कहा जाता है। तो इसका यूज़ ये है कि ये जहाँ भी खड़ा होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ लूट छोड़ के जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिनका लूट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, या फिर उन लोग का एमओ या ग्लू वाल नहीं मिल रहा है। तो ये एयरशिप हम लोग को मेडकिट, ग्लू वाल, एमओ, गन्स सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये कहाँ से कहाँ जाएगा वो लोकेशन भी हम लोग को पता चल सकता है, मैप में इसका पूरा पाथ हम लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है हम सभी के लिए। तो अभी के अभी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए, बेल बटन आप लोग ज़रूर दबाना ताकि आप सभी को पता चले कि कब मेरा न्यू वीडियो निकल रहा है। तो ये था एयरशिप का पाथ। तो ये अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये एयरशिप भी मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद लगा। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम लोग मोटर बाइक में पहले सिर्फ एक इंसान ही राइड कर सकता था, लेकिन अब अपडेट के बाद यहाँ पे दो लोग राइड ले सकते हैं, ऐसे दो लोग बैठ सकते हैं। तो ये जो लोग डुओ खेले उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। बाकी व्हीकल्स अगर ना मिले आप लोगों को तो अभी आप लोग बाइक में राइड लेके कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल अपडेट है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। सो नेक्स्ट अपडेट है न्यू गन। सो न्यू गन थॉम्सन SMG आ चुका है, ये एक सब मशीन गन है। इसका अटैचमेंट जो भी चाहिए वो सब मज़ल, फोरग्रिप और स्टॉक है। ये MP40 से ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग दूसरे SMG से कंपेयर करें तो बहुत ही यूज़फुल है। ये शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में बहुत अच्छा काम करता है, और इसका रिकॉयल स्पीड भी बहुत कम है, जल्दी रिकॉयल हो जाता है, तो हम लोग को फाइट करने में बहुत ही आसानी होती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये डैमेज भी बहुत ज़्यादा देता है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि गेम में नया आइटम स्मोक ग्रेनेड भी आ चुका है, तो इसको क्लैश क्वैड में दिया गया है फ्लैश बैंक को रिप्लेस करके। ओके, सो आप लोग को देखकर ही पता चलेगा कि फ्लैश बैंक और स्मोक ग्रेनेड में डिफरेंस क्या है। फ्लैश बैंक से सब कुछ वाइट हो जाता था, हम लोग सब अंधे हो जाते थे, लेकिन स्मोक ग्रेनेड का यूज़ ये है कि अगर हम लोग इसको फेंकेंगे तो एनिमी हम लोग को एम नहीं कर पाएगा, तो ये भी बहुत ही यूज़फुल है। सो क्लैश क्वैड के स्टोर में और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि UMP के जगह M60 लाया गया है, CG15 के जगह थॉम्सन, फ्लैश ग्रेनेड के जगह स्मोक ग्रेनेड, और CAR-90 भी बायोमेट्रिक स्कोप के साथ आ रहा है, और साथ ही XM8 और M1014 का प्राइस भी बढ़ाया गया है। तो ये थी सारी अपडेट्स। अभी इसके बाद आप लोगों को एक नया मोड देखने को मिलेगा, क्लैश क्वैड रैंक। तो ये आपको मेन्यू ऑप्शन में ही मिल जाएगा, इसका दूसरा ही रैंकिंग सिस्टम है।
अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक अलग ही रैंकिंग सिस्टम है। मैं इसका गेम प्ले दूसरे वीडियो में लगा दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। और ये मैच खेल के मुझे ये पता चला कि अगर हम लोग का विक्ट्री होता है तो एक स्टार हम लोग को मिलता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग को किसी रैंक को पूरा करना है तो जितना भी स्टार चाहिए वो सब स्टार कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम नेक्स्ट रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो ये थी सारी अपडेट्स। इसके बाद एक छोटा सा मॉन्टेज है, आप सभी लोग उसको पूरा देखना और इन्जॉय करना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू सून।